आप सभी का स्वागत है मेरे और एक नए व्लॉग में। और इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से सभी कांवरियों ने सोमवार को बाबा पर जलार्पण किया, कैसे कैसे सब कोई धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़े। तो चलिए देर न करते हुए इस व्लॉग को प्रारंभ करते हैं और दिखाते हैं आपको सारा कुछ। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, इसी प्रकार से सभी कांवरिये धीरे धीरे लाइन में लग के बाबा मंदिर की तरफ बढ़े और जाके बाबा पर जलार्पण किया। तो चलिए आज मैं आपको पूरे को जो है अच्छे से आपको दिखाऊंगा, तो ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। ये नज़ारा है बीएड कॉलेज का, जहां पर कि सभी कांवरियों को ठहरने के लिए, थोड़े देर विश्राम करने के लिए बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया है, जो कि अभी आप देख पा रहे हैं। देखिए, आपको पंडाल का इस छोर से उस छोर तक भी नज़र नहीं आएगा, इतना बड़ा पंडाल बनाया गया है। देखिए, सभी कांवरिये भी यहाँ पर कतार में कोई बैठे हुए हैं, कोई खड़े हैं और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर बड़ा बड़ा जो है LCD स्क्रीन लगाया गया है, जहाँ पर कि बाबा मंदिर का जो है लाइव प्रसारण भी किया जाता है बीच बीच में, और सभी कांवरिये उसे देखकर लाइन में खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं कब उनका लाइन खोला जाएगा और वो कब आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी जो है हम आ चुके हैं बीएड कॉलेज ग्राउंड में और बड़े से पंडाल के अंदर अभी हमें, और यहाँ पर मेरे पीछे देखिए आपको बहुत सारे कांवरिये नजर आ रहे होंगे। और अभी समय हो रहा है, देखिए आपको दिख रहा होगा 3:35-36 ऐसा ही कुछ। और देखिए कितने ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर खड़े हैं और एक एक करके लाइन से निकाला जा रहा है, फिर यहाँ से आगे चलेंगे मंदिर की तरफ, वो भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए झलक यहाँ का दिखाते हैं, फिर चलेंगे आगे मंदिर की तरफ। आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत करके जो है रात भर जग के ब्लॉग शूट कर रहे हैं। चलिए सारा कुछ दिखाते हुए बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ से एक एक करके सभी लाइन को खोला जाता है और सभी कांवरिये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं, और जो लाइन खाली होता जाता है उसमें पीछे से जो कांवरिये आते हैं उनको रोक कर रेस्ट कराया जाता है, फिर उनको भी इसी प्रकार से आगे की तरफ भेजा जाता है लाइन में। तो ये देखिए, इसी प्रकार सभी कांवरिये यहाँ से निकलते हैं और बाहर जाने के बाद वो लाइन में लग कर बाबा मंदिर की तरफ बढ़ देते हैं। तो चलिए ये सारा कुछ मैं दिखाते हुए आपको बढ़ूँगा, ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि रात भर जग जग के आप लोगों के लिए वीडियो शूट करते हैं तो एक लाइक तो बनता है। साथ ही देखिए, आप एम्बुलेंस का भी व्यवस्था किया गया, ये जो है मोबाइल एम्बुलेंस है, ताकि ये छोटे से छोटे गलियों में भी घुस जाएगी। बड़े एम्बुलेंस के लिए जगह ज़्यादा चाहिए और सावन में कहीं कहीं जो है बड़ा एम्बुलेंस नहीं घुस पाता है, जिस कारण से ऐसा एम्बुलेंस का व्यवस्था किया गया है ताकि कांवरियों को कोई दिक्कत ना हो। तो इसी प्रकार सभी कांवरिये धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, तभी जाके वो बाबा पर जलार्पण कर पाते हैं। इस बार तो उतना ज़्यादा लाइन नहीं लगा, इस बार तो 6 किलोमीटर ही लाइन लगना पड़ा सभी कांवरियों को, और ये आप देख पा रहे हैं सभी कांवरिये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब चलिए मैं यहाँ से आगे जाता हूँ और आपको जलसार पार्क के पास का नज़ारा दिखाता हूँ। पूरा रूट लाइन दिखाते हुए अभी आ चुके हैं जलसार पार्क के पास और सुबह के अभी 4 बज रहे हैं, और देखिए किस प्रकार से सभी यहाँ से धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है आपको मिल जाएगा 2 कॉम्प्लेक्स, वहाँ से होते हुए सब कोई बाबा के मंदिर की तरफ चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वो भी आपको दिखाते हुए चलते हैं। जलसार पार्क के पास से सभी कांवरियों को 4 लाइन में विभक्त कर दिया जाता है, जिससे कि उधर का लाइन भी थोड़ा कम हो जाता है। देखिए किस प्रकार से सभी धीरे धीरे यहाँ पर लाइन में लग के खड़े हैं और जो पीछे है वो धीरे धीरे लाइन में लगते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। ऐसा ही जो है आपको नज़ारा देखने को मिलेगा जलसार पार्क के पास। और यहाँ से सभी कांवरिये धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे की तरफ, और देखिए एक एक करके लाइन खोला जाता है तभी सभी कांवरिये आगे बढ़ पाते हैं। एक बार सबको नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि लाइन में भगदड़ मचने का भी चांस रहता है, इसलिए जो है प्रशासन के सभी जवान आपकी सुरक्षा को देखते हुए आप लोग को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो आप लोग भी जो है प्रशासन का मदद करें और खुद से धीरे धीरे बाबा मंदिर की तरफ बढ़ें, बाबा का जयकारा लगाते हुए बढ़ें और अच्छे से जलार्पण करें। चलिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर आप बैग लेके आ रहे हैं तो बैग को आप कोशिश कीजिए पंडा जी के यहाँ रख देने के, क्योंकि देखिए अगर आप बैग लेके जाइएगा तो बैग लेके आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, सब बैग को आपको यहाँ पर जमा कर लिया जाएगा, तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा बैग लेने के लिए। इससे अच्छा है आप जहाँ पर जल संकल्प करें वहीं पर बैग जमा कर दें, वहाँ पर आपका पंडा जी बैग आपको रख देगा, फिर बाद में आप पूजा करने के बाद जाके बैग ले सकेंगे। तो इसी प्रकार से सब कोई आगे बढ़ते हैं बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए, और यहाँ से नेहरू पार्क जाते हैं, वहाँ से फिर घूमते हुए क्यू कॉम्प्लेक्स के पास जाते हैं। तो ये देखिए मैं नेहरू पार्क के पास का जो है पंडाल दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सबको जो है चेकिंग किया जाता है, अंदर जाने के बाद मेटल डिटेक्टर से जो है क्रॉस होने के बाद सभी कांवरिये इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अभी लाइन जाम है, जिस कारण से सभी कांवरिये रुके हुए हैं।
क्यू कॉम्प्लेक्स के बाद ओवर ब्रिज होते हुए सभी कांवरिये बाबा के आंगन में पहुंचते हैं। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूं किस प्रकार सभी जाते हैं बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए। इतना भीड़ होने के बाद भी प्रशासन का इतना तंदुरुस्त व्यवस्था था कि सभी कांवरियों ने अच्छे से बाबा पर जलार्पण किया, बाबा का दर्शन किया। देखिए सब कोई कतारबद्ध होकर किस प्रकार से धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ से आगे आने के बाद देखिए इस प्रकार से आपको आगे जाना है और यहाँ से आपको बाएँ तरफ मुड़ने के बाद आप जैसे ही सीधे जाइएगा आपको आगे बाबा का दर्शन हो जाएगा, आप बाबा पर जलार्पण कर सकेंगे। तो देखिए मैं एकदम अंदर का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ, देखिए किस प्रकार से सभी कांवरिये धीरे धीरे जाके बाबा का दर्शन पूजा कर रहे हैं। तो दर्शन पूजा करने के बाद सबको यहाँ से निकास द्वार से निकलते हैं और देखिए कितने ज्यादा संख्या में कांवरिये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा बाह्य अर्घा भी दिखा देता हूँ क्योंकि वहां पर भी जलार्पण करने के लिए बहुत ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, कांवरिये पहुंचे हुए थे। अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये भीड़ है बाह्य अर्घा में जलार्पण करने के लिए और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा संख्या में आज कांवरिये जलार्पण कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा जो है लंबा लाइन लगा हुआ है, उससे बचने के लिए यहाँ पर जलार्पण किया जा रहा है। चलिए ये भी आपको दिखाते हैं आगे की तरफ। बाबा के मंदिर से आप जैसे ही बाहर निकलिएगा निकास द्वार के बगल में ही बाह्य अर्घा है, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा कांवरियों ने जलार्पण किया जिस कारण से मंदिर प्रांगण में बहुत ज्यादा भीड़ लगा हुआ था। देखिए प्रशासन को भी बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा था, बाह्य अर्घा के पास भी आप देख सकते हैं सबों को जल्दी जल्दी जलार्पण कराया जा रहा था। बहुत अधिक संख्या में कांवरिये पहुंचे हुए थे बाबा धाम अंतिम सोमवार को, देख सकते हैं आप अधिक से अधिक संख्या में कांवरियों ने बाह्य अर्घा में भी जलार्पण किया। पश्चिम दरवाजे से अभी मैं बाबा मंदिर के आंगन में आया और आंगन में आने में मुझे लगभग 20 मिनट का समय लगा 100 मीटर चलने में, इतना ज्यादा भीड़ है आज मंदिर के प्रांगण में। उधर तो उतना ज्यादा कांवरिया नजर नहीं आ रहा। चलिए मैं आपको घुमा घुमा के चारों तरफ जो है दिखाता हूँ। ये तो मैंने आपको दिखाया बाबा मंदिर में सबों ने किस प्रकार से जलार्पण किया, लाइन कैसे लगा हुआ था। अगले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा मैया पार्वती मंदिर में जलार्पण करने के लिए लाइन कहां से लग रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ उसी में हो रहा है। तो वो जो है आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा किस प्रकार से सबों ने मैया पार्वती के मंदिर में जलार्पण किया। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती।